आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे द बॉन्ड विल बी द कोवलेंट बॉन्ड। अब दो तरह का बॉन्ड है मेरे पास। मेरे पास बॉन्ड है जी होमोन्यूक्लियर बॉन्ड डायटोमिक, मतलब दो एटम्स के दरमियान होमोन्यूक्लियर। इसका क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम। जब भी होमो का वर्ड आए यू मस्ट गेट द कॉन्सेप्ट के सेम। होमोन्यूक्लियर का मतलब है ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका न्यूक्लियस सेम है, मतलब सेम एलिमेंट के दरमियान जो है आपका बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूँ तो ये क्या है? ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक बॉन्ड है। और दूसरा होगा हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रो इज़ फॉर डिफरेंट, डायटोमिक बॉन्ड। अगर दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, दो ऐसे एटम्स जो एक जैसे नहीं हैं उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल एच एंड सी एल। तो इसमें होगा क्या? इन दोनों ने क्या किया है? आपस में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। सिमिलरली इन दोनों ने भी आपस में एक शेयर, एक जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का दैट हैज़ बीन शेयर्ड। अब जब तक ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक बॉन्ड है या ये सेम चूंकि एलिमेंट्स हैं तो सेम होने की वजह से इनके दरमियान जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये क्या है? ये इक्वली शेयर्ड है दोनों के दरमियान। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, ये भी एच और ये भी एच, लिहाजा जो इनके दरमियान बॉन्ड है दैट इज़ इक्वली शेयर्ड। लेकिन एच सी एल के केस में जो ये बॉन्ड है दैट विल नॉट बी इक्वली शेयर्ड। क्यों? क्योंकि वो एटम्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट हैं। दे विल नॉट बी इक्वली शेयर्ड बिकॉज एच सी एल हैज़ वन एटम हाइड्रोजन एंड अदर वन इज़ क्लोरीन। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर है ये इक्वली शेयर नहीं होगा। ये किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा शेयर हुआ होगा, उसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये चीज़ बताएगी कि कौन सा एटम जो है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। किस बात की टेंडेंसी? टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है तो जो शेयर्ड पेयर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये क्लोरीन की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये किसी भी एटम की टेंडेंसी है, उसकी एबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो कितना ज़्यादा खींचता है। तो दिस इज़ दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये रिलेट हम कर सकते हैं अपनी प्रीवियसली चीज़ों से, आयनाइजेशन एनर्जी से एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। जैसे वो दो एनर्जीज थी इसी तरह ये टेंडेंसी जो है ये भी इन्हीं की कैटेगरी में आती है। और ये जो है हमें बताएगी कि कोई भी बॉन्ड जो है वो उसका शेयर्ड पेयर किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो होती क्या है।
नेक्स्ट जो है उसमें हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स और ये कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो बेसिकली पॉलिंग वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया, और उसने बताया कि किस तरह हम जो है इसकी फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. उसने कैसे डिटरमिन की, उसने डिफरेंस बेसिकली देखा बिटवीन, ही स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज एंड द एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जीज. मतलब क्या हुआ इसका, अब फॉर एग्जांपल HCl जो है वो मेरे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, इसकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज मेरे पास कैसे आएगी जब मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को स्टडी करूँगा और डिफरेंट लिटरेचर से डिफरेंट डाटा को उठा के मेरे पास एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी आएगी कि इनका बॉन्ड जब बनेगा तो एक्सपेक्टेड एनर्जी जो है वो इतनी रिलीज होगी. लेकिन जब ये बॉन्ड एक्चुअली बना और एक्सपेरिमेंट से जो एनर्जी मेरे पास आई वो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी थी. तो दोनों का जो डिफरेंस था उसने मुझे बताया कि जो डिफरेंस आनी तो इतनी चाहिए थी लेकिन आई इतनी क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने बीच में अपना असर शो किया. तो इस तरीके से इस मेथड के थ्रू उसने इन एनर्जीज के डिफरेंस को स्टडी करके उसने जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की जो उनकी वैल्यूज थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो डिवाइस की, और उसने एक मेथड डिवाइस कर दिया. उसने कहा जी कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. तो इसने इसको एक सपोज़ कर ली एक वैल्यू कि मैं कहता हूँ जी फ्लोरीन की 4 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ये सबसे ज़्यादा है. जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में जब स्टडी करते हैं तो 4 GPA का सिस्टम होता है, तो GPA इज़ लाइक सबसे ज़्यादा 4 होगा, उससे बाद बाकियों का कंपेयर होके उनका रिजल्ट बन जाता है. तो सिमिलरली फ्लोरीन को उसने 4 कह दिया और बाकी जितने एलिमेंट्स थे उनको उसने जो है इससे कंपेयर करके बाकियों की वैल्यूज जो होती हैं वो निकाल ली, और आपके पास इसका टेबल जो है वो मौजूद है. तो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज़ फ्लोरीन विद द वैल्यू 4.0. ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका सारा रोल. अब हम चलते हैं इसके ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल. इसके ट्रेंड को आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड से भी कंपेयर कर सकते हैं. वो भी जैसा उनका ट्रेंड था वैसा ही ट्रेंड जो है वो इसका होता है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो सी हैं वो पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो पीरियड के अंदर इसकी वैल्यू जो सी है वो होती है इंक्रीज, क्योंकि बिकॉज पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज क्या होता है, ये चीज़ें अब आप लोगों को जितने दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आगे जाके मूव करते हैं तो बढ़ता जाता है, जबकि शेल जो है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से आपके जो साइज़ है एटम का वो कंप्रेस होता जाता है. अब साइज़ जब कंप्रेस होगा और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो शेड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होगी एटम की वो भी बढ़ेगी, और वो बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है. जाहिर सी बात है जब साइज छोटा होगा और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो अपने साथ शेड किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की पोजीशन में होगा, और जब वो ज़्यादा खींचने की पोजीशन में होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज आ गया. तो पीरियड के अंदर जब आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इंक्रीज. सिमिलरली जब आप ग्रुप की बात करेंगे, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू जो सी है वो करेगी डिक्रीज, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह वही है जो कि पीछे हम बार बार पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है. एटॉमिक साइज में कैसे इंक्रीज होता है, ड्यू टू दी एडिशन ऑफ शेल्स. जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं एक नया शेल ऐड होता है, नए शेल के ऐड होने का मतलब है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने का क्या मतलब है, अगर ये एक है
दूसरा तो इसका शेड पेयर अगर यहाँ पे है और इसका शेड पेयर यहाँ पे है, तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा आसानी से खींच सकेगा, जबकि ये इसको उतनी आसानी से नहीं खींच सकेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, और नीचे आएंगे साइज़ और बड़ा होगा, और बड़ा होने से आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी लेसर होती जाएगी। तो ये वजह है कि आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है एलिमेंट्स की वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये तो था इनका जनरल ट्रेंड इन दी पीरियोडिक टेबल्स। अब हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है या जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है वो पोलर और नॉन पोलर का जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब पोलर कंपाउंड वो होता है जिसके ऊपर दो जो होते हैं वो पोल्स बन जाते हैं। पोल्स कैसे बनते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस कई दफ़ा स्टडी करके आए हैं, पहले चैप्टर में भी और उसके अलावा भी। नॉन पोलर वो है जिसके ऊपर कोई पोल नहीं होगा। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, उसकी वजह उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो सेम सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनका जो शेयर्ड पेयर है वो क्या है, इनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड है दोनों के दरमियान, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है और वहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है। सिमिलरली अगर आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, तो इसकी 2.2 है और इसकी भी 2.2 है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना चाहूँ 2.2 माइनस 2.2 तो मेरे पास आएगा ज़ीरो। ज़ाहरी सी बात है क्योंकि सेम है तो इनका डिफरेंस ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्या मतलब कि इनका जो पेयर्ड है शेयर्ड पेयर जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये ना इसकी तरफ झुकाव खा रहा है ना इसकी तरफ झुकाव खा रहा है, तो जब ये दरमियान में है तो ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएंगे, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास बनेगा। तो डेफिनेशन क्या पता लगी कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू सेम एटम्स सिमिलर एटम्स, तो द बॉन्ड विल बी दी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। अब HCl की अगर हम बात करें तो इन ये चूंकि डिसिमिलर एटम्स हैं, डिसिमिलर एटम्स होने की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अब ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। हाइड्रोजन की 2.2 है और क्लोरीन की अगर आप टेबल को कंसल्ट करें जो आपके बुक में दिया हुआ है दैट इज़ 3.2। तो अब अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ 3.2 माइनस 2.2 इज़ इक्वल टू 1, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 1। अब जो आपका शेयर्ड पेयर है वो इक्वली शेयर्ड नहीं होगा, वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, वो दरमियान में नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा क्लोरीन की साइड पे शो किया। अब जब ये एक्स्ट्रा पेयर जो है क्लोरीन की तरफ झुकेगा और क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव बढ़ने की वजह से इस पूरे क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये जो बॉन्ड है इसके ऊपर चूंकि पोल्स बन चुके हैं तो दिस इज़ दी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये बताती है कि जो बॉन्ड बनने जा रहा है दैट वुड बी पोलर और नॉन पोलर। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़ीरो है तो वो नॉन पोलर है क्योंकि सेम एटम्स के दरमियान है, और अगर डिफरेंस बिटवीन देम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसकी कोई वैल्यू है, तो फिर उसके ऊपर पोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट
करेंगे। तो ये चीज़ जो थी हमें पता लगी उससे। अब अगर यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता है कि अगर इनका डिस्टेंस जो सा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें ये भी पता लगता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट है, वो कहता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन 1.7, बॉन्ड विल बी आयोनिक। एल्फ इट विल बी कोवलेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी आपको कोई दो एटम्स का बॉन्ड बताया गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो कोवलेंट है या आयनिक है, तो आप इस रूल की मदद से भी हेल्प ले सकते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। कैसे पता लगेगा? पता यूँ लगेगा कि आप उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को चेक कर लें। अगर वो 1.7 या उससे ज़्यादा है तो आपके पास आयनिक बॉन्ड है, और अगर उससे कम है तो फिर बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने HCl की बात की पीछे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 थी, क्लोरीन की थी 3.2। तो जब मैंने इनका डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस लेने से मेरे पास वैल्यू आई थी 1। 3.2 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 1। अब 1 क्या है? 1 इज़ लेस देन 1.7। तो जब लेस देन 1.7 होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड विल बी कोवलेंट। और ये वजह है कि हम कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये रूल जो है हमें ये बताने में भी हेल्प आउट करता है कि बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। आयनिक की एग्जांपल देखते हैं, NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सोडियम की अगर आप देखें आपके बुक में जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसमें उसकी मेंशन है, दैट इज 0.9। अब इस 3.2 में से जब हम 0.9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? जब आप 3.2 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.3। तो ये जो 2.3 है ये क्या है? दिस इज़ नाउ ग्रेटर देन 1.7। तो आप कहते हैं NaCl में बॉन्ड कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ये रूल भी हमें देन ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम ये चीज़ भी बता सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। और काफ़ी केसेस में ये जो एस्टिमेशन निकलती है हमारे पास ये सेम होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम अगर समराइज करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। जब भी पेयर शेयर्ड होगा तो उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत किसकी ज़्यादा है? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ फ्लोरीन, जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है 4.0, और इसका जो डिवाइस किया था सिस्टम वो पॉलिंग ने किया था। फिर हमने इसका ट्रेंड देखा। ट्रेंड क्या कहता था जी? कि लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इंक्रीज़ करेगी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो डिक्रीज़ करेगी, और रीज़न इसकी थी इनके एटॉमिक साइज़ेस। और फिर उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें जो दो तीन चीज़ें बताता था, पहली चीज़ जो उसने बताई वो थी कि ये नॉन पोलर या पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर होगा या के पोलर होगा। सिमिलरली इसने बताया कि आयनिक बॉन्ड है या कि कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर में हमने कवर की, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन 3 4 5 डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक हमारा जो सा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक ख़त्म। अब हम जो है अगले टॉपिक से अपने कुछ बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और फिर हम डायरेक्ट अपनी थ्योरीज की तरफ जाएंगे जो कि इस चैप्टर की एसेंस है। तो ये हमारा आज का टॉपिक अबाउट
नेगेटिविटी था।